मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की दशमी तिथि थी। राम ने 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना की और फिर 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की, इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। रावण शिव का परम भक्त था, बहुत बड़ा था ज्ञानी, 10 सिर 20 भुजाओं वाला था राजा अभिमानी। नहीं किसी की वह संता था, करता था मनमानी, औरों को पीड़ा देने की आदत रही पुरानी। एक बार धारण कर उसने तन पर साधो निशानी, छल से सीता को हरने की हरकत की बचकानी। पर नारी का हरण न अच्छा कहकर हारी रानी, भाई ने भी समझाया तो लात पड़ी थी खानी। रामचंद्र से युद्ध हुआ तो याद आ गई नानी, शिव को याद किया विपदा में अपने व्यथा बिखानी। जानबूझकर बुरे काम की जिसने मन में ठानी, शिव ने भी सोचा ऐसे पर अपना दया दिखानी। नष्ट हुआ सारा ही कुनबा, लंका पड़ी गवानी, मरा राम के हाथों रावण, क्या खत्म हुई कहानी। नहीं, शांति अमन के इस देश में बुराई को मिटाना होगा, आतंकी रावण का दहन करने आज फिर भाईचारा बनाना होगा। हर त्योहार एक कहानी बताता है और दशहरे की कहानी ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उस पर सदैव धार्मिकता ही विजय प्राप्त करेगी। हमारे विद्यालय के कक्षा 9 और 10 के छात्रों ने एक नाटक तैयार किया है। इस नाटक के द्वारा दशहरे के इतिहास को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें रावण पर भगवान राम की जीत पर प्रकाश डाला गया है। हमारे आज के कलाकार अद्भुत ढंग से रावण वध के सार को दर्शाएंगे। उनका प्रदर्शन यह याद दिलाएगा कि भले ही धर्म का मार्ग चुनौतियों से भरा हो, लेकिन हमेशा जीत की ओर ले जाता है। तो बोलो सियावर रामचंद्र की। ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः। हे ब्रह्मदेव मुझे दर्शन दे, हे ब्रह्मदेव मुझे दर्शन दे। क्या आप मेरी तपस्या से संतुष्ट नहीं? हे ब्रह्मदेव मुझे दर्शन दे। अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो मैं अपना शीश घर से अलग करके आपके प्रति समर्पित करता रहूंगा और ब्रह्म हत्या का दोष भी आपके सिरे ही जाएगा। हे ब्रह्मदेव दर्शन दे, हे ब्रह्मदेव दर्शन दे। हेलो रावण, पितामह के चरणों में कोटि सौ प्रणाम। रावण मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहते हो? हे ब्रह्मदेव मुझे अमरता का वरदान दे। अमरता का वरदान हमारे सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, कुछ और मांगो। हे ब्रह्मदेव मुझे यह वरदान दे कि मुझे देव यक्ष गंधर्व कोई भी पराजित ना कर सके। तथास्तु। हे ब्रह्मदेव मुझे वृंदावन का वरदान दे। तथास्तु। क्षमा ब्रह्मदेव, परंतु ये ऐसे ही सोता रहेगा तो पृथ्वी का उपभोग कैसे करेगा? ब्रह्म वाक कभी विफल नहीं जाता, इसीलिए इसे निंद्रासन ही प्राप्त होगा। पर मैं इसे यह वरदान देता हूँ कि यह 6 माह तक सोएगा और एक दिन उठकर इस पूरी पृथ्वी का भोग लेगा। हे ब्रह्मदेव मुझे वरदान दे कि मैं हमेशा सदैव ही सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता रहूं। तथा इस त्रिलोक में कहीं जो रावण को पराजित कर सके, हर किसी की भुजाओं में इतना बल जो रावण को पराजित कर सके। क्षमा प्रभु क्षमा, इस संसार में एक शिव है जो सबसे ताकतवर है, वही है जो आपको पराजित कर सकते हैं।
शिव का निवास स्थान कहाँ है? प्रभु वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। चलो लंकाधिपति रावण की जय। लंकाधिपति रावण की जय। लंकाधिपति रावण की जय। तुम कहाँ हो? रावण तुमसे युद्ध किया कांचा से तुमसे मिल आया है। शिव कहाँ हो? तुम अगर नीचे नहीं आए तो मैं इस कैलाश पर्वत को उठाकर समुद्र में डाल दूंगा। हे शिव कहाँ हो? ठीक है तो तुम नहीं आओगे, मैं इस कैलाश पर्वत को उठाकर समुद्र में डालता हूं। प्रभु शिव को शक्ति से नहीं भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। लगता है तुम्हारा कथन उचित है। मैं शिव को अपने भक्ति की शक्ति से ही प्राप्त करूंगा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले बलं जलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट्टमट्टमट्टमट् निनाद वट्टमरवयं चकार चंद्र तांडवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाह संभ्रम प्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचिवल्लरि विराजमान मूर्धनि गद्दगद्दगज्ज्वललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखर प्रतीक प्रतीक्षण मम। उठो रावण। नमामि शंभु। रावण मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ जब तक इस सृष्टि में शिव भक्तों में तुम्हारा नाम सर्वप्रथम किया जाएगा और मैं तुम्हें अपना चंद्रहास प्रदान करता हूँ। ओम सर्व सर्वगता श्री सशिलिभा श्री शंकर पातु माम। देवी इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है और रावण का भी अंत निश्चित है। उसका अंत करने वाला अयोध्या में जन्म ले चुका है। कुटी में हमारा प्रवेश वर्जित है।
कुटी से बाहर आकर भिक्षा दो देवी। जय भोलेनाथ। योगीराज, मैं इस सीमा रेखा से बंधी हूँ। मैं इसे पार नहीं कर सकती। आप यहाँ तक आने का कष्ट करें। असंभव देवी, असंभव। मैं बंधी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करता। और कुटी में प्रवेश करना मेरे योग धर्म का तिरस्कार है। जय भोलेनाथ। रुक जाइए योगीराज, ठीक है, मैं आ रही हूँ। योगीराज, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। चिल्लाओ, जी भर के चिल्लाओ। छोड़ मुझे, पापी, अधर्मी, छोड़ मुझे। स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए। चिल्लाओ, जी भर के सीते, पुत्री, तू भय मत कर। मैं अभी इस दुष्ट का वध करके इसके चंगुल से तुझे मुक्त करता हूँ। दुष्ट रावण, ठहर तू, तेरा काल आ गया है, अब नहीं बचेगा। ले दशानन, संभाल अपने आप। बूढ़े किल युद्ध कला की परीक्षा लेना चाहता है तू? ये ले दशानन का प्रहार। हरण रावण उड़ी जावा, बीच मान जटायु धाई, गिरा धरा खाए प्रहार, गिराधरा खाए प्रहार। प्रभु कामाए गति पाई, मानो जवान मार कर दुनिया देखी, इंद्रियो बुद्धि मतांबरिश पवन तने अंजनी पुत्र हनुमान इस समुद्र को खेल खेल में नीला कर सकता हूं और रावण के पूरे वंशजों को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां ला सकता हूं। हे रीचपति, अब बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है? हनुमान, आप केवल इतना करें कि देवी सीता से मिलकर आ जाए और इसकी सूचना श्री राम को दे दें। इसके बाद प्रभु श्री राम का जो आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपके आदेश से इस सौ योजन समुद्र को प्रभु श्री राम की कृपा से लाने जा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। निवारी सुम
मत के संगी प्रभु की ये मुद्रिका उनके सामने डालता हूं। अरे ये क्या स्वामी की मुद्रिका यहां? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई? कहीं रावण ने उन पर घात तो नहीं किया? ये मुद्रिका तो उनकी उंगली में थी। कौन हो तुम? क्या ये मुद्रिका तुमने ही? पहले मुझे आशीर्वाद दे माते। मैं श्री राम भक्त हनुमान हूं। मैंने ही प्रभु के संदेश के रूप में ये मुद्रिका आपके सामने गिराई है। जाकर उनसे कहना कि उनकी सीता उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं अब तक इसी आशा में जीवित हूं कि एक न एक दिन मेरे स्वामी मुझे रावण से मुक्त कराने आएंगे। माता सीता की व्यथा कथा सुनकर महावीर हनुमान द्विविध हो उठे। रावण से बदला लेने के लिए उनकी भुजाएं भड़क उठी, किंतु वो विवश थे, उनके हाथ बंधे थे। श्री राम ने उन्हें माता सीता का पता लगाने को ही कहा था, रावण को दंड देने को नहीं। दियो हनुमान तब सिया दुख सब अशु बन मोती जोरी और माता अशु बन मोती जोरी भेंट हार श्री राम कियो। जानकी रावण की अशोक वाटिका में है, आपके बिना वे निश्चित ही कष्ट में है, किंतु उस राक्षस लोक में भी कुछ राक्षसियां उनके साथ हैं जो सदैव उनकी सुरक्षा करती हैं। परंतु हनुमान, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम जिनसे मिलकर आए हो वो हमारी पूज्य भाभी ही थी? इसका प्रमाण मेरे पास है भैया लक्ष्मण, ये देखिए, ये चूड़ामणि माते जानकी ने ही पहचान के रूप में दी है। चलत मोही चूड़ामणि दीन्ही रघुपति हृदय लाई सोलिन्ही नाथ युगल लोचन भरि बारी बचन कहे कछु जनक कुमारी। किंतु विभीषण ने आकर उनको सत्य का ज्ञान कराया और बताया कि मेघनाथ निकुंभला मंदिर में यज्ञ कर रहा है। उसने सचेत किया कि यदि मेघनाथ ने यज्ञ पूरा कर दिया तो उसे मारना असंभव होगा। अंततः श्री राम ने जामवंत विभीषण और हनुमान के साथ लक्ष्मण को मेघनाथ का अंत करने के लिए भेजा। लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच घमासान युद्ध होने लगा। ब्रह्मांड का अंत न कर दो।
कोई राम प्रधान विषम